अब हम बात करेंगे लेग वर्कआउट की दूसरी एक्सरसाइज की, जिसका नाम है लंजेस। इसके भी स्क्वाट्स की तरह तीन वेरिएशंस हैं। वन इज स्टैंडिंग लंजेस, ऑल्टरनेट लेग लंजेस प्लस जंपिंग लंजेस। लंजेस हमारे क्वाड मसल यानी कि इस एरिया पे वर्क करते हैं प्लस हैमस्ट्रिंग मसल पे वर्क करते हैं। लंजेस करने वक्त आपको ध्यान रखना है, जो टांग आपकी पीछे है उसकी हील उठी होनी चाहिए, जो टांग आपकी आगे है उसका घुटना टोस के आगे नहीं जाना चाहिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ लंजेस का तीसरा वर्कआउट, जिसे हम कहेंगे जंपिंग लंजेस। ये वर्कआउट बहुत हाई इंटेंसिटी वर्कआउट बोला जाता है। सो हैव अ लुक, आप देख सकते हो टेक्निक्स पोजिशन सब सेम है, बट इसमें आपको जंप करना है एंड केयरफुली आपको अपने नीज, हील और घुटनों का ध्यान रखते हुए हर चीज को मेंटेन करना है। जंप जंप एंड स्लो, आप इस टेक्निक को फास्ट यूज नहीं कर सकते, यू हैव टू गो डाउन वेरी स्लो। जंप एंड स्लो, जंप एंड स्लो, जंप एंड स्लो, जंप एंड स्लो। सो ये था हमारा आपके लिए आपका लेग वर्कआउट, जो आप हफ्ते में तीन बार एटलीस्ट कर सकते हो। ये वर्कआउट करने के दौरान आपको जो टेक्निक्स मैंने बताई हैं आप उसका प्लीज ध्यान रखिएगा, और हर लेवल को क्रॉस करने से पहले उस लेवल को परफेक्ट कीजिएगा। कौन से मसल पे पेन होना है, कौन से मसल पे पेन नहीं होना, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सो आप प्लीज़ ध्यान रखिए आप कौन सी टेक्निक यूज़ कर रहे हो। प्लस मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अगले दिन जब आप सो के उठोगे सुबह, तो आपको आपकी लेग्स में पेन होगा। वो पेन कहाँ हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो पेन गलत है, वो पेन सही है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर तो पेन आपकी मसल्स में है तो वो पेन अच्छा पेन माना जाएगा, बट अगर वो पेन आपके घुटनों में या किसी एड़ी में है तो वो पेन गलत माना जाएगा। सो आप ध्यान रखिए कि आपकी हड्डी में दर्द नहीं होना चाहिए, सिर्फ मसल्स पे पेन होना चाहिए जहां आपने वर्क किया है। खेल और फिटनेस के बारे में अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें onlymyhealth.com।